यहाँ पर एक और दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी मैं जानना चाहूंगा कि वो जो ये ओल्ड जीटी रोड है इसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे। ओल्ड जीटी रोड झेलम के हवाले से क्या कहेंगे इस रोड की सूरत हाल पे? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने ये पॉइंट आउट किया है। मैं अभी घर से निकला हूँ, वैसे पेट खाली था लेकिन ऐसे फील हो रहा है कि मेरा नाश्ता हो गया और मेरा हजम हो चुका है। बगैर किए नाश्ता ये हजम हो गया है। आपको मैं अप्रिशिएट करता हूँ, बराए मेहरबानी इसको हाईलाइट करें। देखें यहाँ गाड़ियाँ तबाह हो रही हैं और मैंने कुछ गाड़ियाँ ऐसी देखी हैं कि इन खड्डों में गिरी हुई थी जब बारिश हुई है। ये मुल्क की तब्दीली देख रहे हैं आप। ये इमरान खान साहब के ये बहुत नारे अच्छे हैं। ये देखें रोज़ाना यहाँ पर एक्सीडेंट होते हैं, रोज़ाना ज़ख्मी होते हैं। देखें हमारे लक्ष्य पर नुकसान हो जाता है, हम क्या करें, हम गरीब किधर जाएँ? कहते हैं जी रोड बन जाएगा, कौन बनाएगा? या चोई फवाद बनाएगा या चोई फर्क बनाएगा? बस मेहरबानी है, हमारी इल्तजा इनसे, इस पूरी काबीना से और मोहतरम जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब से कि ये हमारा रोड बनवाएं। हमारे इधर से रोज मजीद गुजरते हैं और आदमी गुजरते हैं, मुसाफिर गुजरते हैं, हज़ारों गाड़ियाँ गुजरती हैं इधर से। तो मेहरबानी होगी सर, बहुत शुक्रिया। ये तब्दीली का नारा जो है ना लगाना छोड़ दें, वो कोई अमली काम करें, बहुत मेहरबानी होगी। डेली कोई ना कोई जरा एक्सीडेंट, कोई ना कोई गड़ी जी है ना उल्टी हो जाती है। मेन रोड लगनी है झेलम, देख लो हाल देख लो फिर थोड़े सामने यही कोई कह सकता। कौर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बड़ी मुश्किल से ये गाड़ी ड्राइव करते मैंने देखा आ रहे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, नाम आपका? निसार जमान। निसार साहब कैसा महसूस कर रहे हैं इस रोड पे ड्राइव करके? वेरी बैड, बहुत टेरेबल रोड है। मैं दरअसल बाहरों आया स्कॉटलैंड तू यूके विच, ते पैड़ियां सड़क देखी हैं लेकिन यह जी सड़क है ना सारे नालों वर्स है। हर पास खड्डे दनाली, अगर बारिश हो तो फिर तो बिल्कुल गड्डी का सत्यानाश, कोई बचने का। गवर्नमेंट को क्या कहना चाहोगे? गवर्नमेंट पैसे तो सू टैक्स देने, ठीक करो। इो गल मैंने चार पाँच महीने हो गए नहीं है, ही हो गए सड़क के हालात बहुत ज़्यादा खराब हैं, जिंद वजह तो सवारियां भी, उस तो बाद रक्षे की भी हालत देख लो, जगह जगह पर पर्चियां लगी हैं। ठीक है तो कोई एम एन ए कोई जो ना नोटिस नहीं लै रहा, बहुत जरा परेशान है इस चीज़। चार बार जनाब गड्डी ढह पी, ट्रक मूंदा हो गया, तो कारोबार तो पता सारा पानी इधर ही दुकान में ही आ जाते हैं, बड़ी परेशानी। साड़ी दुकान तो इतने नहीं लेकिन फिर भी असं आते जाते इतने परेशानी तो इन्होंने है ना। बाकी ये ट्रैफिक तो सामने आ रही है, नजर आती भी परेशानी है या नहीं है? यहाँ पर जो इस दुकान के जो ऑनर हैं उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस मसले को लेके क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर नाम आपका? मुमताज। मुमताज साहब जब बारिश हो जाती है, जाहिर सी बात है कि फिर वो कहते हैं ना जी जब बारिश होती है तो पानी आता है और जब ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है, तो क्या सूरत हाल होती है जनाब? जब बारिश होती है तो उस काफ़ी पानी बहुत ज़्यादा आता है, उस वक्त बहुत परेशानी होती है, कीचड़ बहुत होता है। कारोबार कारोबार जा रहा है फिर वो ठप जाता है। क्या कहना चाहेंगे गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट से यही कहना चाह रहे हैं कि सड़क का कुछ हल किया जाए, हर बंदे को परेशानी है इससे। यहाँ पर एक और दुकानदार हैं, टेलर हैं, उनकी दुकान पर हम आएंगे और उन्होंने पानी को रोकने के लिए यहाँ पर एक खुद से एक छोटी सी दीवार भी बना रखी है कि पानी दुकान के अंदर ना आए, और रोड बाहर से नीचा भी है और उसके अलावा यहाँ पर बल्कि रोड तो है ही नहीं, सिर्फ पत्थर ही पत्थर हैं। तो इनसे हम जानते हैं कि इनको क्या मुश्किल हैं और ये हाकमे वक्त से क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। तो नाम आपका? मेरा नाम यूनुस है जनाब। यूनुस साहब क्या मसाइल हैं, क्या कहेंगे? ऐ तुहाडे सामने ने जनाब जिहड़े भी है ने देख लो तुसीं, मतलब असीं तो बड़े मजबूर हाँ तंग हाँ लेकिन बच्चों का रिजक कमाण वास्ते असीं जरूर मतलब दुकान खोलने हैं। असी तो रोज़ वटे खाने जो साढ़े दरवाजे शाजे भजे ने तक लो दुकान का की हाल है। बाकी एवं कि मेहरबानी अगर कर देने तो मेहरबानी, अगर ना भी करे तो साढ़ा जोर तो कोई नहीं है ना कि बहरहाल साढ़ा कुछ ना कुछ करना चाहिए। तक लो अभी सारे टैक्स अदा करने दुकानदार शहरी हैं झेलम के, तो जनाब इन्हों की मेहरबानी है, साड़ी दरखास्त है इन्हों की अगे कि मेहरबानी कर साढ़ा ये जनाना रोड है बना देना। टाइम बारिश हुई थी काफ़ी ज़्यादा पानी, डेढ़ डेढ़ फुट पानी आ गया था, डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे, काफ़ी चीज़ें थी काफ़ी ज़्यादा खराब हुई, कपड़े वगैरह खराब हुए। अक्सर जब पानी बारिश आ जाती है तो शॉप खोलना भी मुश्किल हो जाती है, इसलिए मेहरबानी है अगर कर देंगे तो, इसलिए हमें बहुत तंग हो रही इस चीज़ से। पानी काफ़ी, अगर शॉर्ट सर्किट हो जाए तो जाने वैसे ही जाए ही होने हैं, तो पता क्या चलना है, कुछ भी नहीं होना, इसीलिए मेहरबानी है।